कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की स्मगल्ड शुदा सामान के खिलाफ कार्रवाइयां, कस्टम्स एंटी स्मगलिंग हुकाम का अंदरून मोची गेट में गोदाम पर छापा। इसी पर हम बात करेंगे रिजवान अकबी से। जी रिजवान अकबी, आगाह कीजिए इस कार्रवाई के हवाले से। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने कलेक्टर कस्टम्स अहमद रऊफ की खुफिया इतला पे अंदरून शहर में आज रवां हफ्ते में दूसरी बड़ी छापामार कार्रवाई की है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान है, जिसमें सिगरेट्स हैं, उसके अलावा जो शीशे में कोयला इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत बड़ी खेप है उसकी, जो कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने वसीम नामी शख्स के गोदाम से बरामद करके यहाँ पे शानू स्टूडियो में वाके कस्टम्स वेयर हाउस में मुंतकिल कर दी है। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट वेयर हाउस यूसुफ खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, ये बताएं कि इसकी मालियत कितनी है और कौन कौन सी आइटम्स इसमें शामिल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर ज्यादा तादाद जो है वो सिगरेट की, फॉरेन सिगरेट की है, कम अज कम मोर देन 500 कार्टन जो सिगरेट की हैं। इसके अलावा इसके अंदर गुटका है, इसके अलावा कोयल है जो शीशे के अंदर इस्तेमाल होता है, कोल है, इसके अलावा और बहुत सी मुजरेबल सेहत आइटम है जो कि हमारी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ये जो है ये बहुत दिन से एक प्लान चल रहा था, कलेक्टर कस्टम्स हमारे जो थे वो इस चीज़ को बड़ा सख्ती से इसको परस्यू कर रहे थे। उनको एक ख़ास इन्फॉर्मेशन मिली जिसकी उन्होंने उसकी सरबराही के लिए एक टीम बनाई, जिसकी सरबराही की एडिशनल कलेक्टर कस्टम हमारे बासित मकसूद साहब उन्होंने, और बुगवी साहब की जो हमारे नवीदुररहमान बुगवी साहब हैं उनकी सरबराही के अंदर ये सारी रात कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये रात 3 बजे मोची दरवाज़े में छापा मारा गया, वहाँ से ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ से उठाई गई। मालियत कितनी है? मालियत मोर देन इसकी 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये कीमत है, क्योंकि सिगरेट सारा इम्पोर्टेड सिगरेट है और कीमत बहुत ज़्यादा, हर चीज़ जो है इम्पोर्टेड है, मोस्टली इसमें इंडिया की आइटम्स भी बहुत ज़्यादा शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया सुपरिटेंडेंट यूसुफ खान, रिजवान अकबी आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। आरिफ नवाज से ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के वफ्द की मुलाकात हुई है और वक्त में वाइस चेयरपर्सन चौधरी वसीम, डीआईजी नासिर मुख्तार राजपूत भी शामिल हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के लिए जारी इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। आईजी की डीपीओस को ओवरसीज पाकिस्तानीज की शिकायत को फौरी हल करने की हिदायत, ओवरसीज पाकिस्तानियों को सर्विस डिलीवरी के मामला में खातर ख्वाह बेहतरी आई है, आरिफ नवाज का यह कहना था।